हमें स्कॉलरशिप के लिए कैसे अप्लाई करना होगा क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे तो आइए स्कॉलरशिप आईसीआई जो प्रोवाइड करता है स्टूडेंट्स को वो क्या है आइए समझते हैं कुछ बच्चे स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल होते हैं जो आईसीआई देता है कुछ बच्चों को ये पता भी नहीं होता है हेलो कैसे हैं आप लोग आयो मे शानदार हैं और जबरदस्त हैं कुछ बच्चे स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल होते हैं जो आईसीआई देता है कुछ बच्चों को ये पता भी नहीं होता है तो आइए स्कॉलरशिप आईसीआई जो प्रोवाइड करता है सी को वो क्या है आइए समझते हैं सबसे पहले दो टाइप के बच्चों को स्कॉलरशिप मिलती है वो जो फाउंडेशन पास कर चुके हैं और इंटरमीडिएट में आ चुके हैं या वो स्टूडेंट्स जो इंटरमीडिएट पार कर चुके हैं और फाइनल में आ चुके हैं दोनों को स्कॉलरशिप एलिजिबल है कैसे है कितनी है उस पर बात करते हैं देखो सबसे पहले आप सी इंटरमीडिएट में जब आते हैं तो दो रूट्स होते हैं एक होता है फाउंडेशन पार करके एक होता है डायरेक्ट एंट्री रूट्स है दोनों ही केस में आपको स्कॉलरशिप मिल रही है अगर आप इंटरमीडिएट के स्टूडेंट बन जाते हैं तो आपको स्कॉलरशिप मिलती है फिफ्टीन हंड्रेड पर मंथ की बट शर्त यह है आपकी फैमिली की इनकम लेस देन थ्री लाख रुपीज पर ईयर होनी चाहिए अगर आपकी फैमिली की इनकम तीन लाख रुपीज पर से कम होती है तो आपको पंद्रह पर मंथ फॉर नेक्स्ट नाइन मंथ आफ्टर रजिस्ट्रेशन ऑफ इंटरमीडिएट मिलता है बट अगर आपने नौ महीने में अपना इंटरमीडिएट क्लियर नहीं किया आपको एक ग्रुप क्लियर करने पर भी अगले तीन महीने और मतलब नौ महीना प्लस तीन महीना बारह महीने तक के लिए स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबिलिटी होगी उसके बाद आपको कोई स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी अगर आपने तब तक भी इंटरमीडिएट क्लियर नहीं किया तो अगर आपका इंटरमीडिएट क्लियर हो जाता है और आप फाइनल के अंदर में आ जाते हैं तो ऑब्वियसली वहां पर आर्टिकलशिप भी करते हैं वहां से भी थोड़ी इनकम जनरेट हो जाती है बट आर्टिकलशिप पूरा तीन साल नहीं चलती है आर्टिकलशिप जो है वो कुछ समय चलती है और कुछ समय नहीं चलती है तो यहां पर इन्होंने कुछ क्राइटेरिया रखा है कि अगर आप पंद्रह सौ की स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं आफ्टर योर इंटरमीडिएट आप फाइनल के स्टूडेंट हैं फाइनल में रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं तो आप ये भी ले सकते हैं तीस महीने तक आपको यह स्कॉलरशिप मिल सकती है टू मैक्स या तीस महीना या रिमेनिंग पीरियड ऑफ आर्टिकलशिप जो भी दोनों में से कम होगा उनमें आपको ये पंद्रह सौ रुपए की स्कॉलरशिप मिल सकती है अगर आप सीए फाइनल एस्पिरेंट हैं बट ये पंद्रह सौ का अमाउंट बढ़कर दो हजार और पच्चीस सौ भी पहुंच चुका है वो कैसे पहुंच जाता है चलिए उस पर बात करते हैं अगर आपको लगता है आप ब्राइट स्टूडेंट हैं बट फैमिली की इनकम तीन लाख से कम है आप ब्राइट स्टूडेंट हैं आप फैमिली की इनकम तीन लाख से कम है और आप ले आए हैं रैंक अगर आप रैंक ले आते हैं तो आपको टू थाउजेंड रुपीज पर मंथ की स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबिलिटी हो जाती है बट फैमिली की इनकम थ्री लाख रुपीज से कम होनी चाहिए और आपको इंटरमीडिएट के अंदर में रैंक लाना पड़ेगा अगर आप रैंक होल्डर है तो आपको इसके लिए एलिजिबिलिटी हो जाती है शर्त यहां पर भी यही है या तो तीस महीना तक मिलेगी या फिर जो भी आर्टिकलशिप का रिमेनिंग पीरियड होगा तब तक आपको यह पर्टिकुलर स्कॉलरशिप मिलेगी अगर आप टॉप टेन रैंक होल्डर हैं रैंक वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन ये रैंक होल्डर हैं तब आपको दो हजार से ज्यादा पच्चीस सौ रुपए पर महीना तक की स्कॉलरशिप मिलेगी विद ऑल सेम कंडीशन ये चीज आईसीआई बोल रहा है आईसीआई आपको ये सब स्कॉलरशिप देता है अब मुद्दा आता है हमें स्कॉलरशिप के लिए कैसे अप्लाई करना होगा क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे so सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं डॉक्यूमेंट्स डॉक्यूमेंट्स की documents के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं तीन मेजर डॉक्यूमेंट लगेगा पहला है आपको अपनी फैमिली की जो स्टेटमेंट होगी फैमिली की इनकम स्टेटमेंट होगी उसका डॉक्यूमेंट चाहिए होगा उसका सर्टिफिकेट चाहिए होगा वो आपको अपलोड करना होगा जो फॉर्म आएगा उसमें और एक कैंसल चेक ताकि आपकी अकाउंट डिटेल्स ले सके ये अपलोड करना पड़ेगा इन सब चीजों का आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा थ्रू अ सी अब आप चार्ट अकाउंटेंट इसका अप्रूवल लेंगे तभी जाके आप इसके लिए एलिजिबल हो पाएंगे एक बार देख लेते हैं कि क्या प्रोसेस होती है टू अप्लाई फॉर द आईसीएआई स्कॉलरशिप जी हाँ सबसे पहले आपको एस पोर्टल पे जाना है वो आपको मैं बता चुका हूं डॉट आई सी आई पर जाएंगे वहां जाकर आपको मिलेगा स्कॉलरशिप के लिए स्कॉलरशिप एप्लीकेशन फॉर्म इसको भर देंगे जैसे ही आप इस फॉर्म को भरेंगे आपको ऑटो पॉपुलेटेड एप्लीकेशन फॉर्म में डिटेल्स मिल जाएंगी वो इंफॉर्मेशन को आपको चेक करना है अगर सब कुछ सही होता है बहुत बढ़िया है आप अपनी जो है बैंक डिटेल दे सकते हैं और पापा मम्मा का जो एनुअल इनकम स्टेटमेंट है वो लगा सकते हैं जैसे ही अगर आप ये करेंगे आपका काम हो जाएगा अगर कुछ गलती होती है तो उसको क्रॉस वेरीफाई जरूर कर लेना उसके बाद उसको आप अप्लाई करना फॉर योर बैंक डिटेल्स प्रोवाइड करके एंड देन अपना मम्मी पापा का जो आपका एनुअल इनकम स्टेटमेंट होगा यहां तक खत्म नहीं होगा इन सब चीज़ों का आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा या तो अपने सी ए सी की हाँ भाई जो आप बात बोल रहे हो वो एकदम सही है वो सीए अप्रूव करेगा या आपका प्रिंसिपल अप्रूव करेगा जी हाँ दोनों में से आपको इस चीज़ का अप्रूवल लेना पड़ेगा वहां से अप्रूवल लेने के बाद आई क्या करता है क्वार्टरली अप्लीकेशन को चेक करता है और कंफर्म करता है कि जी आप एलिजिबल के लिए है अपना स्कॉलरशिप के लिए और आपको फिर वो स्कॉलरशिप मिलनी शुरू हो जाती है मंथली उस चीज का अप्रूवल का आपको मेल भी उससे पहले आ जाएगा कि आप एलिजिबल हुए या नहीं हुए एंड क्या क्या डेट्स हैं अप्रूवल की कब कब अप्रूव होता है वो जानने के लिए एक बार समझ लेते हैं अगर आप 16 दिसंबर से 15 मार्च के बीच में अप्लाई करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म में तो आपको अप्रैल में उसका ग्रांट मिलेगा अगर आप अप्लाई करते हैं 16 मार्च से 15 जून के बीच में तो जुलाई में ग्रांट मिलेगा 16 जून से 15 सितंबर में तो अक्टूबर में ग्रांट मिलेगा 16 सितंबर से 15 दिसंबर में जनवरी में आपको ग्रांट मिलता है और कुछ अगर जानना है तो कुछ यहाँ एफ भी दिए हुए हैं ये एफ को आप पढ़ सकते हैं आपको और डिटेल में जानकारी मिल जाएगी ये सारी चीज़ ये सारा डॉक्यूमेंट मैं आपको नीचे कमेंट में पिन करा दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक डाल दूंगा आप वहां जाकर देख सकते हैं बाकी कुछ जानकारी और चाहिए तो आप हमें नीचे कमेंट में मैसेज कर सकते हैं हम कोशिश करेंगे आपकी वो जानकारी हम आपको दे दें और आपका ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाए अब आई आई इतनी मेहनत कर रहा है आपके लिए थोड़ी आप भी खुद से मेहनत करिए और अच्छे से पढ़ाई करिए और कोशिश करिए रैंक लाने की वो भी टॉप टेन के अंदर में तो मिलते हैं ऐसी और वीडियोस के तब तक के लिए की प्रैक्टिस इन केयर बाय बाय अलविदा बचाड़ी सी यू सोन